एसके रेसिडेंसी के बिल्डर और समाज सेवक शब्बीर खान व अजीम शेख की तरफ से शहर के लोगों में बांटी जाएगी आर्सेनिक एल्बम 30 गोलियां। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जब से देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली है, दिन ब दिन इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे अब आयुर्वेद कहें या होम्योपैथी में जो दवाइयां है उनका भी महत्व कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसी एक गोली है आर्सेनिक एल्बम 30, तो होम्योपैथी के डॉक्टरों ने इसे रोग प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद ठहराया है। ये कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की आपको ताकत देती है। ऐसे तकरीबन 7,000 लोगों को ये गोलियां वितरित करने का निर्णय लिया एसके रेसिडेंसी के मालिक और शहर के समाज सेवक शब्बीर खान व अजीम शेख ने। इस पूरे अपने मंसूबे को कैसे उन्होंने अमल में लाया है और डॉक्टर उजैर आलम जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने इस दवा के बारे में क्या जानकारी दी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के शब्बीर खान और अजीम शेख ने क्या कहा, वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर उजैर आलम साहब, ये दवाइयाँ जो है आर्सेनिक एल्बम 30, ये आजकल कोरोना महामारी के चलते इसका बड़ा चर्चा चल रहा है और काफी जगहों पर जो है लोगों में इसको बांटा जा रहा है, तो आप लोगों की तरफ से भी ये पूरा बांटने का इंतजाम किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये दवा क्या है, क्या फायदा पहुंचाती है कोरोना से लड़ने में, इसके क्या फायदे हैं, कैसे ये मदद करती है, इस बारे में बताइए। और फिर ये बांटने का आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो कैसे बना, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और किन किन लोगों ने मदद की है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कोरोना की दवा नहीं है जी। कोरोना की वजह से बॉडी के जो पार्ट्स और जो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं, उन सिस्टम्स पर ये दवा बहुत पहले से पुरानी दवा है जो हमारे यहाँ कई मतलब समझिए कई सौ सालों से इस्तेमाल में है। ये उन्हीं सिस्टम्स पर पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। तो जब कोरोना का की डिजीज का जो इफेक्ट जिस बॉडी पर जो पड़ रहा है उसी को ये काउंटर करके ठीक करने वाली दवा तो है। साइमल्टेनियसली इस दवा का इफेक्ट बहुत पहले से, हम जब बच्चे थे हमारे दादा भी होम्योपैथ थे, तो हम ये सुनते आ रहे थे हमेशा से कि जब कभी भी किसी को नजला, खांसी, गले का दर्द या सांस की तकलीफ शुरू हो, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, तो फौरन ये दवा ले ले तो नहीं होगा उसको। अगर उसको लगे कि नहीं अभी तो मुझे नजला होने वाला है, मौसम आ गया, वायरल फीवर का मौसम आ गया, तो उसमें ये हम दवा लेते थे। तो बेसिकली ये जनरल कॉमन कोल्ड वायरल फीवर जिसमें लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, उसकी ये बेस्ट मेडिसिन बहुत पहले से है। अब इन्हीं सिम्टम्स के साथ में ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई है उसके लिए ये एक तरीके से आप जो कह सकते हैं, जो बहुत मशहूर बात हो गई कि सहन शक्ति जो होती है या फिर जो बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है जिसको डिफेंस मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, उसको वो मजबूत बनाता है और पर्टिकुलरली लंग्स की फील्ड में और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की फील्ड को वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि अगर आपका कोई इंकाउंटर हो भी जाता है कोरोना से तो इंशाल्लाह कोई सिम्टोमेटिक नहीं होगा और कोई वर्स्ट कंडीशन नहीं होगी, कोई सिम्टम ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा हमने इस बारे में ये सोचा कि जब शुरू में तकरीबन 23 मार्च को मैंने फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप पर भी हमने इस बात को कॉमन किया कि भाई आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह 3 गोली, शाम 3 गोली, सिर्फ 3 दिन लेना है, आप लोग ले लीजिए, तो उस वक्त इतना ज़्यादा ये चर्चित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को फ़ायदा होता गया, धीरे धीरे गवर्नमेंट के बॉडीज़ ने भी इसका ऐलान किया, तो फिर हमने शब्बीर भाई से मशवरा किया और ये बात हुई कि क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम चाहते हैं कि लोगों को मुफ्त में बांटा जाए, इसलिए कि हर आदमी जाके खरीद नहीं सकता और हर आदमी उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी इसकी स्कैसिटी डेवलप हो गई थी, मिल नहीं रही थी दवाएं। तो कैसे कैसे करके हमने शुरू में 900 बॉटल्स शब्बीर भाई के तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बांटी, काफ़ी सोसाइटीज़ में बांटी, ख़ासतौर से वहाँ जहाँ पर कोरोना के मरीज़ पाए गए थे और जिनको लॉक कर दिया गया था। फिर बाद में ये बात आई कि भाई हमको ज़्यादा चाहिए, तो ऑर्डर किया, मार्केट के अंदर इतनी स्कैसिटी सी थी कि हमने बॉटल्स कहीं और से मंगाया, कई शहरों में जाकर के हमने खरीदा, शब्बीर भाई के साथ उनके जो लोग थे इनकी गाड़ी के साथ ही गए हम, तो बॉटल्स कहीं और से आई, ग्लोब्यूल्स कहीं और से आई, फिर ये जर्मनी की, फ्रांस की सारी दवाएं मंगवाई गई जो हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम यहाँ पे बहुत अच्छी बैठी हुई है जिन्होंने एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आने के बाद से कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 बॉटल्स बनके तैयार हैं
और हमारे पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह भी बैकअप है कि अगर इंशाल्लाह आगे जरूरत भी रही और मदद रही इंशाल्लाह रफी भाई की माशाल्लाह मुस्तकिल है तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरा उम्रा कवर कर सकते हैं। इस तरीके से है, इस दवा के खाने का तरीका बता दूं, ये बॉटल जो दी जा रही है, एक बॉटल जरा मेरे हाथ में दे दीजिए, ये बॉटल जो दी जा रही है ये एक फैमिली के लिए पूरी काफी है। इसमें इतनी गोलियां हैं कि पूरी एक फैमिली, 8 आदमी 10 आदमी की फैमिली को काफी है। 3 गोली सुबह खाली पेट, 3 गोली शाम खाली पेट, बस 3 दिन तक खाना है। और हर तरह का पेशेंट इसको खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा का, अब तक कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है। डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कैसा भी पेशेंट हो या छोटा बच्चा हो, 3 गोली सुबह 3 गोली शाम जो खा लेगा उसमें इतनी ताकत पैदा हो जाएगी सिस्टम के अंदर कि कोरोना से एनकाउंटर होने के बाद भी वो सिम्टम्स डेवलप नहीं करेगा और वो उसको बचा के रखेगा। तो ये 3 गोली सुबह 3 गोली शाम सिर्फ 3 दिन लेना है, इसके बाद उसको रोक देना है, बस 3 ही दिन खाना है इसको, ऐसा है। दूसरी बात यह है कि जब तक कि ये दवा तकरीबन 1 महीने इस दवा का इफेक्ट रहेगा तकरीबन, तो उस वक्त तक आपको कॉफ़ी नहीं पीना है, कच्चा प्याज कच्चा लहसुन नहीं पीना है, नहीं खाना है, इतना ख्याल कर लीजिए। बाकी कोई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारी चीज़ें महफूज रहेंगी। शब्बीर भाई, क्या जानकारी देंगे आप और क्या कहेंगे इस पूरे इंतजाम को लेकर के जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, आप हैं, अजीम भाई हैं, डॉक्टर उजैर आलम साहब और आपकी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह की बरकातहू। वक्त और हालात सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर आदमी अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है अपने लोगों की मदद करने की। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से परेशानियां सब आपके सामने हैं, जो बीमारी फैली हुई है हर एक आदमी डर और खौफ में जी रहा है। हमसे जो बन पड़ा अनाज की शक्ल में, खाने की शक्ल में या किसी की मदद की शक्ल में, मेडिकल की शक्ल में, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन की शक्ल में, जो हमसे अल्लाह ने सिताज जितनी दी है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दवाओं के बारे में तकरीबन 1 महीने से सुना जा रहा है, यूट्यूब पर भी सुना जा रहा है ये कि 72 लाख लोगों को केरला में दिया गया, गुजरात में दिया गया। तो डॉक्टर साहब से हमने इनके बारे में डिस्कस किया कि भाई ये जो चीज़ें आ रही हैं इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि हम उस फील्ड के नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर रोशनी डाली कि भाई ये इम्यून सिस्टम जो है, कुछ कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ाता है। हम नहीं पता कि कितना असर करेगी क्या करेगी, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हमारे लोगों को 2% भी 4% भी अगर फ़ायदा करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम कोशिश करने को तैयार हैं। हमने इनसे कहा कि भाई जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हो सके तो पूरे मुमरा को खिला देते हैं, कम से कम अपने पास पड़ोस के ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 बिल्डिंगें अपनी जो बिल्डिंग में रहते हैं, ग्लोरियस पार्क है, सिद्दीकी टावर है, इसमें तकरीबन घर घर लिया को लिए लेके जाके लोगों को दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सोसाइटियाँ अभी तक महफूज है। तो अब कोशिश ये थी कि भाई अपने इलाकों में भी इसको कोशिश की गई है कि इसको बांटने की। तो अभी ये फिलहाल आपके सामने है 5,000 के करीब, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, मिल आसानी से मिल नहीं रही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होटल की बंद है, दवाएं कहीं से जर्मनी से कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं। तो ये 4 दिन मेहनत करने के बाद इतनी चीज़ें जुटी हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश जारी रहेंगे और जितना अपना हो सकेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है कि जो अपने जानने वाले हैं, जो कॉर्पोरेटर हजरात हैं या जो बिल्डिंग वाले हैं या आप हजरात के माता है, जो भी जहाँ तक पहुँच सकती है इसको पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। अजीम भाई क्या बोलेंगे आप? बस यही बोलूँगा कि ये दवाइयाँ हम सोसाइटी सोसाइटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसे कामयाब हो और लोगों को इसका फ़ायदा हो।